जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हेल्दी बाल, अच्छे बाल हमेशा सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बालों का श्रृंगार एक औरत के लिए सबसे बड़ी सुंदरता होता है। बड़े बालों की तलब हर किसी को रहती है, लेकिन क्या करें, कभी पानी की वजह से, कभी खाना अच्छा नहीं होने की वजह से, कभी हमारा डाइट चार्ट ठीक नहीं होने की वजह से, और कई बार टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हमारे बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। बाल अच्छे रहें, चमकदार रहें और तंदुरुस्त रहें, इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किन ग्रहों की वजह से आपको ये पीड़ाएँ होती हैं। तो चलें बताएं आपको। उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है, अरे यार तू गंजा हो रहा है, इसका मतलब तेरे पास पैसा आने वाला है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बालों का कनेक्शन शनि और मंगल से होता है। मंगल आपको हमेशा भूमि दिलाने का कार्य करता है, और इंसान भूमि कब खरीद पाता है, ज़मीन जायदाद कब खरीद पाता है, जब उसके पास में सेविंग अच्छी होती है, उसके पास पैसा होता है भूमि को खरीदने के लिए, यानी कि आपके पास ठीक ठाक सा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, आप अपनी दाल रोटी से ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो आपका प्रभाव उस समय आपके बालों के ऊपर ज़रूर आता है। अगर बाल आपके 36 की आयु के बाद झड़ना चालू हों या गिरना चालू हों और फिर गंजापन आए, तो इसका मतलब आपका शनि अब आपको आपकी मेहनत का, आपके काम का भरपूर लाभ देने वाला है। अब आपके पास धन दौलत आने वाली है। लेकिन अगर आपको अर्ली एज में, यानी कि 20 साल से लेकर 35 साल की उम्र में अगर आपको बालों से रिलेटेड दिक्कत चालू होती है, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक होता है। सूर्य के नकारात्मक होने की वजह से बाल झड़ते हैं, गंजापन नहीं होता, बाल झड़ने लगते हैं, बाल आपको कम दिखेंगे, बाल आपके वॉल्यूम नहीं देंगे। बालों का गंजापन शनि, बालों का झड़ना और बालों का कम होना, उनकी वॉल्यूम का कम होना, ये सूर्य है। बाल अगर आपके झड़ने लगे, बीच बीच में से उड़ने लगे, परंतु फिर भी सिर पे बाल रहे, तो इसका मतलब आपका सूर्य कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर छठे आठवें घर के अंदर किसी भी प्रकार से राहु का संबंध शनि से बन रहा है, तो आपको सिर रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। जैसे आपको डैंड्रफ बहुत रहेगा, आपको सिर के अंदर फुंसियाँ हो जाएंगी, बच्चों को जुएं जो पड़ती है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही होता है। बाल अगर आपके रफ होने लगे, बालों में अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होने लगे, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि शनि, सूर्य और राहु तीनों आपस में कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। शनिवार के दिन मेथी दान करना चालू कर दीजिए। रविवार के दिन अपने बालों में कॉफ़ी ज़रूर लगाइए, या कॉफ़ी के पानी को डालकर नहाना ज़रूर चालू कर दीजिए। अगर आपके सिर पर गंजापन आ रहा है, तो आपको सरसों के तेल के अंदर 3.25 रत्ती का मूंगा डालकर उसे अच्छे से उबाल लेना है। सपोज़ आपने 1 लीटर तेल लिया, तो जब तक वो आधा लीटर ना हो जाए, तब तक उसे अच्छे से उकाल लीजिए। उसके बाद में उसे ठंडा करके उसकी हल्की हल्की मालिश करना अपने सिर में चालू कर दीजिए। अगर आपके बाल अचानक से 2 मुँह ही हो रहे हैं, नीचे से 2 मुँह के बाल निकल रहे हैं, आपके रफ बाल होते चले जा रहे हैं, तो आपका शनि और शुक्र साथ में राहु तीनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आपको दही या छाछ डाल के शुक्रवार को अपने बाल ज़रूर धोने चाहिए। चलिए जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त आता है। शनि की 7.5 ढैया या पनौती जब जब आती है, तब तब आपके बालों को कष्ट ज़रूर आता है।
जब जब आप शनि की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे होते हैं, तब तब उसके समाप्ति से पहले पहले आपके बालों में अजीब से तरह का बदलाव ज़रूर आ जाता है। हम बहुत सारे केमिकल्स अपने बालों में लगाते हैं, जैसे कि आजकल हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने बालों को अच्छा रखने के लिए। परंतु ओरिजिनैलिटी में बालों के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज़ होती है, तो वो होती है आपके खुद की खाने पीने की शैली। आप जितना अच्छा खाएंगे, आप जितना अच्छा खुश होकर खाएंगे, स्ट्रेस फ्री होकर खाएंगे, उतने अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। आपका चंद्रमा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आपके सिर पर बालों का प्रभाव और बालों की चमक बनी रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा अच्छे रहें, तो आप पानी बहुत पीजिए और खुश बहुत रहिए। एक मुस्कुराहट ही तो ज़िंदगी की हर रोग की दवा है, तो आप अच्छे बालों के लिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आपकी कुंडली में भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट है आपके ग्रहों को लेकर, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मैसेजेस करिए। हमसे बात करके आप अपनी ज़िंदगी की कैसी भी समस्या का निदान करिए। अपने से प्यार करिए। जो इंसान खुद से प्यार करता है, वही तो औरों से प्यार करने के लिए काबिल होता है। खुद का ख्याल रखिए और साथ में उनका भी, जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।